अभी तक आपने फॉरएवर के बिजनेस को समझ लिया है और अब आप जानना चाहते हैं कि फॉरएवर के अंदर पैसा कैसे आता है। सो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान कि फॉरएवर में पैसा कैसे आता है, और साथ ही साथ आप जानने वाले हैं कि कैसे इस फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की हेल्प से सैकड़ों लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है, और आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो अगले 20 से 25 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको ए टू जेड सब कुछ समझ आ जाएगा कि फॉरएवर में एक्चुअल में पैसा कैसे आता है। सो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी नोटबुक पे और आपको मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल में फॉरएवर में पैसा कैसे आता है। सो लेट्स बिगिन। सो आपने अभी तक फॉरएवर का बिजनेस समझ लिया है, अब आप ये जानना चाहते हैं कि फॉरएवर में एक्चुअल में मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है, कैसे मार्केटिंग प्लान से फॉरएवर में पैसा आता है। सो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि फॉरएवर में कितने लेवल्स होते हैं, कैसे कैसे आपको कौन कौन से लेवल पे कैसे कैसे पैसा आएगा। एंड उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपने लाइफ में बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि यार मुझे लाइफ में कोई एक ऐसा मौका मिल जाता तो मैं पता नहीं क्या कर देता, मेरे पास लाइफ में कोई मौका नहीं मिला जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया। काश मेरे पास भी कोई मौका होता जिससे मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर पाता। सो आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये बात आज आपसे मैं छीन के ले जाने वाला हूँ, आपको मैं वो मौका दे रहा हूँ। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है, अगर आप चाहो, अगर आप इस वीडियो के बाद अगर एक्शन लेते हो, इस मार्केटिंग प्लान के बाद अगर एक्शन लेते हो, तो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है। वो आपने देखा होगा सेमिनार्स में, देखा होगा जहाँ पे आपने बिजनेस समझा था उस सेशन में आपने देखा होगा कि कैसे छोटी छोटी एज में लोग अपनी अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मेरी अगर आप चाहो तो इसके बाद आप अपनी लाइफ 3 डिग्री चेंज कर सकते हो, अगर आप इस मार्केटिंग प्लान समझने के बाद अगर आप कोई एक्शन लेते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपने बिजनेस समझ लिया, अब आपको करना क्या है, अब आपको एक प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है माई फॉरएवर इंडिया के नाम से। जब आप ये ऐप डाउनलोड करोगे, इसके अंदर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक फॉर्म फिल करने के बाद आप कंपनी में बन जाते हो प्रेफर्ड कस्टमर। जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो, आप कंपनी में बन जाते हो प्रेफर्ड कस्टमर फ्रॉम द डे फर्स्ट। जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो, आप जब मान लो आप बन गए प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है, या फिर इसको आप नोवस कस्टमर भी बोलते हैं, या फिर इसको हम नोवस कस्टमर भी बोलते हैं। जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो, आप कंपनी के बन जाते हो प्रेफर्ड कस्टमर। देन उसके बाद फ्रॉम द डे फर्स्ट, जैसे आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हो, कंपनी आपको 5% डिस्काउंट्स पे अपने ऑल प्रोडक्ट देने लग जाती है फ्रॉम द डे फर्स्ट। कितनी अमेजिंग बात है ना। देखो, आपने आज तक कोई ऐसी शॉप नहीं देखी होगी जिसमें अपन को पहले ही दिन से 5% का डिस्काउंट मिलता हो, बट यहाँ पे जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो, कंपनी आपको फ्रॉम द डे फर्स्ट 5% डिस्काउंट से आपको प्रोडक्ट देती है। अब मान लो आपने फॉर्म फिल कर दिया, आप प्रेफर्ड कस्टमर पे आ गए। अब अपन समझते हैं कि लेवल कितने होते हैं फॉरएवर के अंदर। सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहला आता है अपना प्रेफर्ड कस्टमर। सेकेंड आता है अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर। आई थिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। सेकेंड आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। अगर अपन बात करें थर्ड की, अपन बात करते हैं, थर्ड आता है अपना सुपरवाइजर, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ आता है अपना असिस्टेंट मैनेजर। देन उसके बाद में अपना फिफ्थ एंड द ड्रीम लेवल आता है मैनेजर। अब बात करते हैं इन हर एक लेवल्स पे, अलग अलग लेवल्स पे पैसा कैसे आता है। कि आपने फॉर्म फिल करके प्रेफर्ड कस्टमर तो हम बन गए, कैसे हम, देखो आप एक बात बताओ, अपन थर्ड क्लास में मेहनत करते हैं, अपन मान लो थर्ड क्लास में है, थर्ड क्लास से अपन मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अपन फोर्थ क्लास में जाए इसीलिए करते हैं ना। अपन टेंथ क्लास में होते हैं, अपन टेंथ क्लास में मेहनत करते हैं, क्यों, क्योंकि अपन को इलेवंथ क्लास में जाना होता है। उसी प्रकार अब अपन प्रेफर्ड कस्टमर है, मानो आपने फॉर्म फिल किया, आप कंपनी के प्रेफर्ड कस्टमर है, अब आपको जाना है असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। मींस आपको थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास में जाना है, और यहाँ से मान लो आपको फिफ्थ क्लास में जाना है, और यहाँ से सिक्स। आपको ये लेवल्स कैसे अचीव होंगे, और इन लेवल्स के अचीव करने का बेनिफिट्स, और ये अचीव कैसे होंगे, और इनकी इनकम, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अगले 15 से 20 मिनट में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट लेवल की,
सेकंड लेवल की, फर्स्ट लेवल तो आपने समझ लिया प्रेफर्ड कस्टमर, सेकंड बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर। कंपनी में हम असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं और ये लेवल मतलब कैसे अचीव हो सकता है और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने देखा कि कंपनी 164 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, ठीक है, आपने देखा कि कंपनी 164 कंट्रीज में वर्क कर रही है। वेट अ मिनट, जस्ट जैसे आपने देखा कि कंपनी 164 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, तो कंपनी बोलती है कि मैं इतने देशों में काम कर रही हूँ तो मेरे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे डिसाइड करूँ कि आप मेरे साथ बिजनेस करने आए हो या फिर मेरे कस्टमर हो। आपने फॉर्म फिल कर दिया, आप कंपनी के प्रेफर्ड कस्टमर बन गए, अब कंपनी कैसे डिसाइड करेगी हम उनके साथ बिजनेस करने आए। आप इसको ऐसे समझिए, मान लो आपने BBA की, आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली BBA, देन उसके बाद में अपन क्या करते हैं, कोई जॉब फाइंड करते हैं। जब अपने को जॉब मिलती है तो अपन में जॉब में क्या देने जाते हैं, इंटरव्यू। अपन जॉब में एक इंटरव्यू देते हैं, जभी तो अपन सेलेक्ट हो पाते हैं। उसी प्रकार कंपनी बोलती है कि मेरे पास इतने ज़्यादा कस्टमर हैं, मैं कैसे डिसाइड करूँ कि आप मेरे साथ बिजनेस करने आए हो। तो कंपनी ने एक लेवल रखा जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर, मीन्स कंपनी बोलती है अगर आप ये लेवल क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेरे साथ, मेरे जो मेरा जो मार्केटिंग प्लान है उसके हिसाब से आप बिजनेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कैसे होता है, इसके लिए अपने को 2CC का बिजनेस, ये 2CC का बिजनेस हमें खुद की पर्सनल ID पे करना होता है। कंपनी को एक टर्नओवर देना होता है छोटा सा, जिसको अपन बोलते हैं 2CC। मीन्स 2CC होता क्या है, मैं आपको बता दूं, पहले बात करते हैं CC। CC क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी 164 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, तो हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है, तो कंपनी ने इसको एक कॉमन नाम से डिफाइन कर दिया, कॉमन करेंसी। अगर इसकी अपन बात करें CC की, तो कॉमन करेंसी या फिर कैश क्रेडिट या फिर कंपनी करेंसी, बहुत से नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन अपन ज़्यादातर बात करें तो कंपनी करेंसी के नाम से जानते हैं या कॉमन करेंसी, ठीक है। अब बात करते हैं कि CC 2CC का बिजनेस हमें देना होता है। भाई CC तो समझ में आ गई, लेकिन ये 2CC क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंपनी के, आप ये समझो एक एलोवेरा की बोतल है, मान लो एक एलोवेरा की बोतल है और इसको कंपनी ने 100 पॉइंट दे दिए। ऑल्दो हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग पॉइंट है, बट अपन मान लेते हैं कि ये एक एलोवेरा की जेल की बोतल है और इसके 100 पॉइंट है इस प्रोडक्ट के, और मान लो ये प्रोडक्ट अपन ने 10 बोतल परचेज कर ली, एक बोतल 100 पॉइंट की है, 10 बोतल परचेज कर ली तो कितने हो गए, 1000 पॉइंट। मीन्स एक CC में अपने होते हैं 1000 पॉइंट्स और अपनी 2CC में होते हैं 2000 पॉइंट्स। मतलब कंपनी को जब हम 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर दे देते हैं तो कंपनी अपने को ये लेवल दे देती है असिस्टेंट सुपरवाइजर, और ये 2CC का बिजनेस अपने को अपनी पर्सनल ID पे एक बार करना होता है पूरी लाइफ टाइम पे। जैसे आप मान लेते हैं कि आपने एक बार कंपनी में कोई लेवल अचीव कर लिया, मान लो आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया, देन वो लेवल आपका हमेशा के लिए हो जाता है, चाहे आप बीच में 1 साल इनएक्टिव रहो या फिर 2 साल इनएक्टिव रहो। बाय चांस हो जाता है लाइफ में कोई इश्यू आ जाता है जिसकी वजह से अपन काम नहीं कर पाते, मान लो अपन प्राइवेट जॉब में होते हैं, अपने को इश्यू आ गया, 2 महीने का इश्यू आ गया, तो वहाँ से अपने को जॉब छोड़नी पड़ती है। बट यहाँ पे आपने एक बार जो लेवल अचीव कर लिया वो आपका लाइफ टाइम रहेगा, तो आपको 2CC का जो बिजनेस है वो अपनी ID पे एक ही बार करना होता है लाइफ में। अब बात करते हैं कि देखो 1CC में होते हैं 1000 पॉइंट, ध्यान से समझना इसको, और 2CC में होता है अपने 2000 पॉइंट। अब बात करते हैं इंडियन रुपीज में 2CC की वैल्यू क्या होती है। 1CC की इंडियन रुपीज में वैल्यू होती है 16,500 और 2CC की वैल्यू होती है 33,000। घबराना मत, बहुत छोटा टर्नओवर है। अब आप इसको एक ऐसे वे में मत लेना कि हम इसको, हमें इनको इन्वेस्ट करना है, आप ऐसे मत समझना कि हमको 33,000 रुपये के मतलब कंपनी को देने हैं, अपने को इन्वेस्ट करने हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, 2CC कंप्लीट करने के,
2cc के कंपनी कंप्लीट करने के लिए बहुत से वेज होते हैं, वो सारे वेज आपको बताए जाएंगे कि कैसे आप अपने 2cc क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हो। ये तो हो गया अपने को लेवल अचीव करना, मतलब अपने को 2cc करके, ध्यान से समझ लो, अपने को बिजनेस स्टार्ट अपना तभी होगा जब अपन 2cc अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। जो मेन बिजनेस है वो अपना तभी स्टार्ट होगा जब अपन 2cc कंप्लीट कर लेते हैं। 2cc कंप्लीट कर ले ही अपन बन जाते हैं कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब इनकम यहाँ से कैसे स्टार्ट होती है, आपकी इनकम असिस्टेंट सुपरवाइजर से स्टार्ट होती है। अब वो इनकम कैसे आती है वो आपको मैं बताता हूँ। मान लो आपने 2cc कर लिया, 33,000 का जो टर्नओवर था वो आपने कंपनी को दे दिया। अब बात करते हैं कि भाई अब अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर पे लेवल के इनकम कैसे आती है। अब अपन बात करते हैं कि इनकम कैसे आती है। देखो इसको ज़रा ध्यान से समझना। मान लो आप हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो यहाँ पे आपकी दो इनकम खुलती है। एक होती है इनकम फर्स्ट, आई थिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यस इनकम फर्स्ट, और एक मान लेते हैं अपन इनकम सेकंड। दो इनकम यहाँ पे आपको खुलती हैं। जो प्रोडक्ट आपको प्रेफर्ड कस्टमर पे 5% के डिस्काउंट पे मिल रहा था वो यहाँ पे आपको 35% डिस्काउंट पे मिलेगा। ध्यान से समझना, एकदम मेंटली प्रेजेंट होके आपको यहाँ पे बैठना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 35% डिस्काउंट पे आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा, मींस अगर अपन रिटेल करें तो यहाँ से अच्छा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। तो पहली अपनी इनकम तो ये होगी। सेकंड, आपने AS किया, अब आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने डाउन में भी AS निकलवाओगे, मींस आपको यहाँ पे कंपनी आपको नई इनकम देती है, न्यू ज्वाइनिंग बोनस, जो कि एक बहुत अच्छी इनकम होती है, बहुत अच्छी इनकम होती है न्यू ज्वाइनिंग बोनस। आप इस जब इनकम को समझोगे ना तो आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि इतना पैसा रियल में आ सकता है। ये न्यू ज्वाइनिंग बोनस बहुत अच्छी इनकम होती है। होती कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप AS हो, आपने AS अभी अपना कंप्लीट किया है, अब आप अपनी टीम बनाओगे। टीम कैसे बनाओगे, मान लो आप एक महीने में कितने मतलब अपने टीम में AS बना सकते हो, 10 मिनिमम अपन 10 तो बना ही सकते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ 10 नहीं, चलो अपन मानते हैं 6 भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 5। अगर अपन कम से कम 5 AS, जो कि बहुत छोटी चीज़ है, बनाने वाले हमारी टीम के अंदर, अचीवर्स क्लब के अंदर काफ़ी लोगों ने ऐसे हैं जो 12-12 भी निकालते हैं, 15-15 भी निकालते हैं, बट अपन मिनिमम लेके चल रहे हैं 5 AS। मान लो आपने AS क्वालिफाई किया और आपने एक महीने में यहाँ पे मान लो 1 AS, 2 AS, 3 AS, 4 AS और 5 AS, आपने 5 AS करवाए, और जब आप 1 AS करवाते हो उसके टोटल टर्नओवर का कंपनी आपको 25% देती है। मींस 1 AS जब अपनी 2cc कंप्लीट करता है तो कंपनी के पास जाता है 33,000 का टर्नओवर। जब टोटल टर्नओवर का 25% मिलेगा, मींस 1 AS से आपको आएगा 7,500 आएगा। तो आपने कितने करवाए, 7,500 इंटू 5 कितने हो जाते हैं, 37,500, मतलब 37,500, 37,500 आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम। रियली मतलब 37,500 की आप पहले महीने में इनकम आप अपनी अचीव कर लेते हो, वो भी अपने को एक नॉर्मल, अपन 5 AS निकालते हैं, 1 AS से अपने को 7,500 आता है। मींस टोटल टर्नओवर का आपको 25% आएगा अपना 1 AS कंप्लीट कराने पे, तो आपको 1 AS से आ रहा है 7,500 और आपने करवाए 5 AS, 5 AS का कितना हो गया 37,500। अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, आप 37,500 की इनकम फर्स्ट मंथ में ही क्वालिफाई कर सकते हो। समझ रहे हो आप, फर्स्ट मंथ में आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो 37,500। मान लो आपने अपने 2cc खुद के पैसों से की और आपने वो तो वापिस निकाल लिए अपने। मान लो आपने 2cc खुद के पैसों से की बिजनेस को एक बूम देने के लिए, स्टार्टिंग में एक बूस्ट देने के लिए, वो इनकम तो आपने पहले महीने ही निकाल ली। ठीक है, ये तो होता है अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे अपने को इनकम ऐसे आती है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपने जो लेवल होता है, जो थर्ड लेवल था अपना सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, अब सुपरवाइजर पे आने के लिए हमको, जैसे अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आने के लिए हमने 2cc की थी, यहाँ पे अपने को 25cc करनी होती है। इस लेवल को अचीव करने के लिए हमें 25cc करनी होती हैं, बट इस बार ये अपनी ID पे नहीं करनी होती, ये अपनी पर्सनल ID पे नहीं करनी होती, ये अपने को टीम से चाहिए। ये अपने टीम के थ्रू आएंगी। आएंगी कैसे, मान लो आपने AS कंप्लीट किया,
AS कंप्लीट किया, आपने 2CC कंप्लीट की, आपने उसी मंथ अपनी टीम में एक और AS करवाया और इसने भी 2CC की। अब इसने भी मान लो ये आपके फ्रेंड हैं, आपने 2 AS करवाए, ठीक है। अब इस AS ने अपना 1 AS और कंप्लीट करवा दिया, इसने भी 2CC की, और इसी AS ने एक और AS कंप्लीट करवा दिया, इसने भी 2CC की। 2CC ये जो आपने की थी, ठीक है, एक बंदे की 2CC ये, ठीक है, ये 2CC, ये 2CC कितनी होगी, 6CC। दो आपकी, दो आपने अपने डाउन में AS निकलवाए थे उनकी। अब इसने एक AS निकलवाया 2CC ये और 2CC ये, मतलब 4CC, टोटल हो गई 10CC। मीन्स आप समझ रहे हो कि आपको अकेले नहीं करना, आपको अकेले नहीं करना लेवल, आपकी टीम के साथ आपका लेवल होगा। आपका जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया और आपके डाउन में कितने भी AS हैं और ये भी अपने डाउन में कितने भी AS लेके आ रहे हैं, वो CC उनके अकाउंट में तो ऐड होंगी होंगी, बट आपके अकाउंट में भी ऐड होंगी। मान लो आपने एक AS करवाया और उसने पहले महीने 10 लोगों को मतलब AS करवाया, मीन्स 20CC की, तो वो 20CC आपके अकाउंट में भी ऐड होंगी, वो उसके अकाउंट में तो ऐड होंगी होंगी बट साथ ही साथ आपके अकाउंट में भी ऐड होंगी। तो अपने को सुपरवाइजर पे आने के लिए 25CC करना होता है, जिसमें अपने को अपनी पर्सनल ID पे नहीं, अपनी टीम के थ्रू करना होता है। अब यहाँ पे इनकम की बात करते हैं, ऐसे सुपरवाइजर लेवल पे अपने को इनकम कैसे आती है। मान लो आपका लेवल है सुपरवाइजर, आपका लेवल है सुपरवाइजर, यहाँ पे आपकी इनकम खुलती है 3। मान लो इनकम फर्स्ट, इनकम सेकंड, और यहाँ पे मान लेते हैं इनकम थर्ड, ठीक है। राइटिंग वगैरह पे मत जाना, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप जिसने भी आपको ये लिंक सेंड किया है एक बार आप उसे वापस से कंसल्ट कर सकते हो। जो भी आपका लेवल मतलब कुछ मिस हो जाता है, कोई इश्यू हो जाता है, तो जिसने भी आपको लिंक सेंड किया है इस वीडियो का, उससे आप एक बार वापस से कंसल्ट कर सकते हो कि इस लेवल पे हमको कैसा पैसे आता है, कुछ समझ में नहीं आया। तो लेवल फर्स्ट में अपनी जो इनकम होती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आप सॉरी प्रेफर्ड कस्टमर पे आपको कंपनी दे रही थी 5% पे डिस्काउंट, और असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हो गया था 35%, लेकिन यहाँ पे आपका हो जाता है 38%। मीन्स समझ रहे हो, आपको आप कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो आपको कंपनी 38% डिस्काउंट पे वो प्रोडक्ट देती। सेकंड आता है न्यू ज्वाइनिंग बोनस, जो कि मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी इनकम है। न्यू ज्वाइनिंग बोनस AS पे आ रहा था आपको 25%, यहाँ पे आप अमेजिंग मतलब इमेजिन करो कि आपको कितना हुआ, यहाँ पे आएगा आपको 33% टोटल टर्नओवर का 33% आएगा एक AS कंप्लीट कराने पे। मींस आप समझ रहे हो, जब अपन एक AS कंप्लीट करा देंगे तो जब वो 33 का टर्नओवर कंप्लीट कर देगा तो अपने को उसका 33% आएगा, मींस 10,000 रुपये आएंगे, सॉरी 1,00,000 लिख दिया मैंने, 10,000 रुपये आएंगे एक AS कंप्लीट करवाने पे। समझ रहे हो आप, एक AS कंप्लीट करवाने पे आपको 10,000 रुपये आएंगे। मान लो आपने 5 AS कंप्लीट करवाए, एक AS से 10,000 आ रहे हैं, 5 AS से कितने हो गए 50,000। आप सोच भी नहीं सकते कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान कितना अमेजिंग है, यहाँ से कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। भाई ये तो अभी एक्टिव इनकम है, ये तो एक एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम मीन्स अभी आपने खुद की इनकम अचीव की है, खुद के AS कंप्लीट करवाने पे। थर्ड इनकम तो सुन लो एक बार, थर्ड इनकम तो सुन लो जो लाइफ में हर एक इंसान चाहता है, जिसका नाम है पैसिव इनकम, जिसका नाम है पैसिव इनकम। ये कैसे आती है, मान लो आपकी टीम में 10 AS है, आपकी टीम में 10 AS हैं और 10 AS मिलके 1,00,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, 1,00,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, और आपको पूरे AS का 3% आएगा। मींस आपकी टीम का 3% आएगा, जो AS हैं आपकी टीम में उनका 3% आएगा टोटल टर्नओवर का। मींस अगर अपन 1,00,000 का अगर 3% निकालें तो कितना होता है, ये 3,000 रुपये होते हैं। समझ लो आप, 3,000 रुपये होते हैं। मींस आप यहाँ पे 50,000 तो आपकी एक्टिव इनकम थी, प्लस 3,000 आपकी जो आपने पैसिव इनकम किया, तो टोटल होगी 53,000 रुपीज़ एक सुपरवाइजर लेवल पे। एंड सेकंड चीज़ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, कंपनी में जो अपने लेवल अप होते हैं वो कोई भी 2 consecutive months आपको देती है, कोई भी 2 महीने के लगातार 2 महीने का कंपनी आपको टाइम देती है कि इन 2 महीनों में आप अपना लेवल अचीव कर सकते हो। मान लो आप सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और आपको आना है सुपरवाइजर पे,
सुपरवाइजर पे आने के लिए आपको 25 सीसी करनी होती है, 25 सीसी करनी होती है, 25 सीसी करनी होती है, और ये आपको कोई भी 2 महीनों के अंदर करनी होती है, टू कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर आपको अपने सीसी कंप्लीट करनी होती है अपना लेवल अप करने के लिए। तो ये भी कितनी अच्छी बात है यार, आपको हमको 2 महीने दिए जाते हैं अपने लेवल को अचीव करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो आप कितना अमेजिंग प्लान है यार, कितना अमेजिंग प्लान है, ठीक है। तो आप सुपरवाइजर पे ही 53,000 का चेक बना सकते हो अगर इसके बाद, इस मार्केटिंग प्लान के बाद आप अपने 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाते हो, जिसने आपको लिंक सेंड किया उसके पीछे पड़ जाते हो कि भाई मेरी 2 सीसी कंप्लीट करवा, कैसे मेरे को 2 सीसी कंप्लीट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को बताओ 2 सीसी कंप्लीट करनी कैसे। ये सारी इनकम आप तभी अचीव कर सकते हो जब आप अपनी 2 सीसी कंप्लीट करोगे, मींस 33K का आप जब टर्नओवर कंपनी को करके देते हो तभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और तभी आप इन इनकम को आप अचीव कर सकते हो। एक कॉलेज में जाते जाते आप इतनी इनकम अचीव कर रहे हो तो सोच के देखो यार कैसी लाइफ आपकी हो सकती है। आगे भी बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लान है, अगला लेवल अपना आता है असिस्टेंट मैनेजर, अगला लेवल आता है आपका असिस्टेंट मैनेजर। आई थिंक आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और अच्छे से आपको विजिबल भी हो रहा होगा। जस्ट ए सेकंड, मैं एक बार और अच्छे से सेट कर लेता हूँ, या ठीक है। अपना अगला लेवल जो है वो है अपना असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर पे आने के लिए अपने को 75 सीसी करनी होती हैं, वही अपनी टीम के थ्रू, टीम के थ्रू होता है, पर्सनल आईडी पे अपने को नहीं करनी होती, टीम के थ्रू अपने को अपना लेवल करना होता है। इसके लिए अपने को चाहिए 75 सीसी। असिस्टेंट सुपर मैनेजर पे आने के लिए आपके पास 3 इनकम रहती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट आपकी जो एएस पे आपको मिल रहा था 5%, प्रेफर्ड कस्टमर पे मिल रहा था 5%, एएस पे आपका हुआ था 35% प्रोडक्ट डिस्काउंट, और असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हुआ था 38%। बट यहाँ पे आपको 43% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, सोच रहे हो आपको मतलब आधे दामों में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और प्रोडक्ट भी वही है जो आप डेली कंज्यूम करते हो, डेली आप घर में यूज़ करते हो प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस पे, वही प्रोडक्ट जो आप बाहर से लेके आ रहे हो वही प्रोडक्ट आप अपनी कंपनी से अपना खुद का ब्रांड ले सकते हो जो कि आपको आधे दामों में मिलेगा। सेकेंड जो आपकी इनकम होती है वो होता है न्यू ज्वाइनिंग बोनस, वो होती है न्यू ज्वाइनिंग बोनस। एंड जो थर्ड आपकी इनकम होती है वो होती है पैसिव इनकम, ठीक है, अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पे कैसे आता है देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपको आएगा 43% न्यू ज्वाइनिंग बोनस, आपको यहाँ पे आता है 38%, मीन्स एक एएस कंप्लीट कराने पे 12,500 रुपये, वाओ 12,500 रुपये आते हैं आपको एक एएस कंप्लीट करवाने पे, ठीक है, एक एएस कंप्लीट करवाने पे आपको 12,500 आते हैं। मान लो आपने 3 एएस करवाए, आपने 3 एएस करवाए, अब आप बोलोगे कि भाई सर आपने पहले तो बता रहे थे 5-5 एएस करा रहे, अब आप बोल रहे हो 3-3 एएस करा रहे। डेफिनेटली हम 5 एएस करवा सकते हैं एएस पे सुपरवाइजर पे, कराने को तो असिस्टेंट मैनेजर पे भी हम करवा सकते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पे जब इस लेवल पे आते हो ना तो आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाती है कि आप एक एज ए लीडर उनको गाइड करने लग जाते हो, तो अपने को अपने फ्रंट पे काम करने का टाइम बहुत कम मिलता है अपनी टीम पे। देखो अपन तभी इस बिजनेस में ग्रो हो पाते हैं जब अपनी टीम ग्रो हो पाती है। मान लो अगर अपने को इस बिजनेस में 1,00,000 रुपये महीने कमाना है तो अपनी टीम में सिखा दो लोगों को 1,00,000 कैसे कमाना है, अपने पास 1,00,000 अपने आप आएगा। मान लो आपने 3 एएस करवाए, टाइम कम था, 3 एएस करवाए, 1 एएस करवाने पे अपने को आते हैं 12,500 रुपये, तो 12,500 × 3 मतलब कितने हो गए, ये हो गए 37,500, मीन्स 37,500 आपकी एक्टिव इनकम होगी जो आपने फ्रंट में करवाया था। पैसिव इनकम की बात करते हैं भाई, पैसिव इनकम सर काम नहीं होगा, पैसिव इनकम बताओ पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम वो होती है हम काम करें या ना करें अपने पास पैसा आता रहेगा। मींस आप ऐसे समझो इसको कि मान लो अपने कोई प्रॉपर्टी ली, उसमें बिल्डिंग बनाई और अपन ने उसको रेंट पे डाल दिया, अपन कुछ काम नहीं कर रहे, काम एक बार कर दिया बिल्डिंग बना दी, पैसा आता रहेगा, रेंट आता रहेगा। उसी प्रकार मान लो एक बिल्डिंग आपने यहाँ पे बना दी, यहाँ पे आपके पास पैसा आता रहता है अगर आप काम भी नहीं करोगे। पैसा कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपकी टीम में 10 AS हैं, आपकी टीम में 10 असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं और 10 असिस्टेंट सुपरवाइज़र 1,00,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, 1,00,000 का टर्नओवर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एएस पे आपको सुपरवाइजर पे आ रहा था आपको 3%, यहाँ पे आएगा आपको 8%,
असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं आपकी टीम में 10 और उनकी टोटल टर्नओवर का मान लो 1 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं सारे मिलके, आपको आएगा 8% मीन्स 8,000। ठीक है, अब मान लेते हैं आपकी टीम में 2 सुपरवाइजर भी हैं और सुपरवाइजर टोटल सुपरवाइजर मिलके, दोनों सुपरवाइजर मिलके 4 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, सॉरी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, टोटल दोनों सुपरवाइजर मिलके 4 लाख का टर्नओवर करते हैं, तो आपको यहाँ से आएगा 5%, सुपरवाइजर से आएगा 5%, एएस से आएगा 8%, मींस 1 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं 8,000, 4 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं सुपरवाइजर 5%, 20,000, 20,000 मींस टोटल इनकम 37,500 तो आपने आपकी खुद की एक्टिव इनकम की थी, 8,000 आपको अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से आ रहा है और 20,000 आपको आ रहा है अपने सुपरवाइजर की टीम से, 005, 8 और 7, 15 और ये हो गया 4, 6 मीन्स 65,500 और ये जो सारी इनकम आपको दिखा रहा हूँ ये इनकम सारी अचीव हो सकती हैं अगर आप अपने 2CC कंप्लीट करते हो, ये सारी इनकम अचीव हो सकती है 65,500। मान लो आपने काम नहीं भी किया तो भी 28,000 रुपये तो आपको आ ही रहे हैं हर महीने आ रहे हैं भाई, हर महीने 2CC की क्या चीज़ है, 33,000 क्या टर्न ओवर है 33,000 का, एक आपने आज तक अपनी स्टडीज पे भी तो इन्वेस्ट किया है क्या, मिला अभी तक मिली है कोई जॉब या फिर कोई कंफर्म नहीं है कब जॉब मिलेगी और मिलेगी वो कितने की मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको अगर आप जो आपका अपलाइन है जो जिसने भी आपको ये लिंक सेंड किया है अगर आप उसकी गाइडेंस से चलते हैं इस बिजनेस में तो आप 100% इन इनकम को अचीव कर सकते हो, बट कंडीशन आपकी ये है कि सबसे पहले आपको अपने 2CC क्वालिफाई करनी पड़ेगी जो कंपनी ने आपको बताया है, देन आप अपनी अपलाइन की गाइडेंस से चलते हो तो सारी इनकम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ AS पे सुपरवाइजर पे ये सारी इनकम आप अचीव कर सकते हो और एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल आप जी सकते हो, अपना जो नेक्स्ट लेवल होता है और जो ड्रीम लेवल होता है लोगों का वो होता है मैनेजर, वो होता है मैनेजर। मैनेजर पे आने के लिए हमको 120cc करनी होती है कोई भी 2 consecutive months के अंदर और अपनी टीम के थ्रू करनी होती है, अपनी टीम के थ्रू करनी होती है, एंड ये लेवल सच में एक ड्रीम लेवल होता है और ये ड्रीम लेवल क्यों होता है ये आपको अभी पता लग जाएगा, ये आपको अभी पता लग जाएगा ड्रीम लेवल क्यों होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम फर्स्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट आपको मिलेगा 48% डिस्काउंट पे, सेकेंड चीज़ एक AS कंप्लीट करवाने पे आपको कंपनी देती है 43%, मतलब टोटल टर्नओवर का देगी 43%, मींस एक AS करवाने पे आपको आएगा 14,000 रुपये। वाओ अमेजिंग यार, सच में फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान इतना ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान है कि यहाँ पे एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है चाहे उसके पास स्किल्स हों या ना हो, सच में मान लो 43%, मान लो आपने दो AS करवाए और आपके पास एक AS से आ रहे हैं 14,000, दो AS करवाने पे 28,000, 28,000 की इनकम आपकी एक्टिव इनकम होगी। अब बात करते हैं पैसिव इनकम, अब आपको समझ में आएगा ये लेवल इतना ड्रीम लेवल लोगों का क्यों होता है। पैसिव इनकम में बात करते हैं, मान लो 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं आपके पास, 2 सुपरवाइजर हैं, ठीक है, और एक आपको दिखाई दे रहा है, एक आपके पास असिस्टेंट मैनेजर है, ये कर रहे हैं 1 लाख का टर्नओवर, ये कर रहे हैं आपका 4 लाख का टर्नओवर, ठीक है 4 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, और ये आपके जो असिस्टेंट मैनेजर है ये भी आपका 4 लाख का टर्नओवर कर, आपके पास AS से आएगा 13%, ठीक है, और यहाँ से आपके पास सुपरवाइजर से आएगा टोटल टर्नओवर पे 10%, और आपके पास असिस्टेंट मैनेजर की टोटल टर्नओवर पे आएगा आपके पास 5%, मीन्स 1 लाख का अगर 13% निकालें तो 13,000 रुपये, 4 लाख का 10% निकालें तो 40,000 रुपये, और अगर अपन 4 लाख का 5% निकालें तो 20,000 रुपये, मीन्स 40 और 20 60 प्लस 13 मीन्स 73,000 आपकी पैसिव इनकम, और ये इनकम अचीव हो सकती है। देखो आप, आपकी टीम अगर मजबूत होती है, अगर आप बिजनेस को ईमानदारी से करते हैं, अपना बिजनेस को आप एक बहुत मेहनत से करते हैं और अपनी टीम को इतनी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं,
तो भाई ये इनकम अचीव हो सकती है, रियली ये इनकम अचीव हो सकती है। और 28,000 जो आपकी एक्टिव इनकम थी, मीन्स टोटल कितनी हो गई, 101,000। मतलब अब आपको समझ में आया ये मैनेजर लेवल ड्रीम लेवल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंसान अपनी 6 फिगर की इनकम को अचीव कर लेता है, 6 फिगर की इनकम को अचीव कर लेता है। 1,00,000 की आपकी इनकम यहाँ पे हो जाती है। लोग यहाँ पे 2-2,00,000 भी कमा रहे हैं इस लेवल पे, 1.5-1.5 लाख भी कमा रहे हैं। तो वो अपनी टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी टीम कितना टर्नओवर कर रही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो आप इनकम है, इन सभी को अचीव कर सकते हो अगर आप अपने 2CC करते हो, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। सो आप एक्शन लेते हो मार्केटिंग प्लान के बाद। अभी भी कंपनी यही नहीं रुकती, कंपनी अपने को और भी अपने को इंसेंटिव्स वगैरह देती है। वो कैसे देती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी में एक होता है लीडरशिप बोनस, एक लेवल एक अपनी जो इनकम होती है लीडरशिप बोनस कैसे मिलता है। मान लो आप मैनेजर हो, ये टोटल पैसिव इनकम होती है, सबसे अच्छी इनकम मानी जाती है और ये टोटल पैसिव इनकम होती है। मान लो आप मैनेजर हो और आपकी टीम में भी एक मैनेजर है, ठीक है, आपकी टीम में भी एक मैनेजर है। जस्ट ए मिनट, शायद आपको शो नहीं कर रहा होगा बेटे, मान लो आप मैनेजर हो, आपकी टीम में भी एक मैनेजर है और उसकी टीम में भी, देखो आपकी टीम में ये मैनेजर है और इसकी टीम में भी एक मैनेजर है, ठीक है, और इस मैनेजर की टीम में भी एक मैनेजर है। तो आपको क्या होता है, आपको अपना जो फ्रंट मैनेजर होता है उसका आता है 6% टोटल टर्नओवर का, और आपका पास इसके आता है 3% और इसका आता है आपके पास 2%। मीन्स मान लो दो तीन, ये भी 10,00,000 का टर्नओवर करता है, एक मैनेजर 10,00,000 का टर्नओवर बहुत नॉर्मल सी बात है, 10,00,000 का टर्नओवर करता है, ठीक है। तो 10,00,000 का 60,000, 30,000 और ये 20,000, मींस 110,000 की इनकम जब आप अपनी टीम में इतने मैनेजर्स क्रिएट कर देते हो, तो बैठे बैठे इस इनकम को अचीव कर सकते हो बिना कुछ किए, कुछ भी नहीं करना। मीन्स समझ रहे हो, फॉरएवर में लोगों की लाइफ चेंज क्यों होती है, क्यों यहाँ पे छोटी छोटी एज में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न। इसकी वजह से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं जो फॉरएवर का अपने मार्केटिंग प्लान समझा है। अब आगे चलते हैं, कंपनी यही नहीं रुकती, कंपनी अपने को कार प्लान भी देती है। मीन्स कंपनी अपने को 3 लेवल्स में कार प्लान देती है। लेवल फर्स्ट में अपने को 26,000 रुपीज़ मिलते हैं, लेवल सेकेंड में अपने को 39,000 रुपीज़ मिलते हैं, लेवल थर्ड में अपने को 52,000 रुपीज़ मिलते हैं। सर क्या इतने पैसों में कार आती है, कैसे मजाक कर रहे हो। बट कंपनी आपको 36 मंथ के लिए देती है, 36 महीनों के लिए। जब आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो तो 26,000 रुपये आपको मंथली आपकी जो इनकम है उससे अलग आपको कंपनी आपके अकाउंट में डालेगी एक कार मेंटेन करने के लिए 26,000 रुपये लेवल फर्स्ट पे 36 महीनों के लिए। लेवल सेकेंड क्वालिफाई करते हो तो 39,000 36 महीनों के लिए, लेवल थर्ड 52,000 36 महीनों के लिए। ये लेवल कैसे क्वालिफाई करने हैं, जब आप इस बिज़नेस में आओगे, इस बिज़नेस को स्टार्ट करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कंपनी यही नहीं रुकती, कंपनी अपने को, बहुत से लोगों को घूमने का शौक होगा, बहुत से लोग ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं, कंपनी उनके लिए भी बहुत अच्छी, कंपनी साल में 2 इंटरनेशनल टूर देती है और 1 डोमेस्टिक टूर देती है। 1+1 रहता है ये, मतलब आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आपका एक पैसा भी नहीं लगना है यहाँ पे। आपको आप खुद जा सकते हो और अपने साथ आप एक पर्सन को और लेके जा सकते हो, हो सकता है आपका फ्रेंड हो, घर वाले हो, कोई भी हो सकता है XYZ, आप एक पर्सन को फ्री लेके जा सकते हो, आपका कुछ भी पैसा नहीं लगता, सारा का सारा पैसा कंपनी उठाती है। सो ये थे लेवल्स और ये थे इनकम। आगे बहुत बड़े बड़े लेवल्स होते हैं फॉरएवर में, वो जब आप बिजनेस में आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने पूरे बिजनेस को समझ लिया, अब आपको करना कुछ भी नहीं है। जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक सेंड किया है, जिस भी पर्सन ने इस वीडियो की लिंक आपको सेंड किया है, सबसे पहले उसके पास, उसके पीछे पड़ जाओ, उसको अभी तुरंत मैसेज करो। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मैं भी एक लाइफ में एक बहुत अच्छा इंसान बनूँ, अच्छी बनूँ, जो भी आप चाहते हो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो फर्स्ट थिंग आपको यही करना है, आपको अभी उस बंदे को मैसेज करना है और आपको बोलना है भाई मेरी 2CC कंप्लीट करो।
भाई या बहन जिसने भी आपको वीडियो की लिंक सेंड किया उसको बोलो कि मेरी 2cc कंप्लीट कराओ, मुझे कुछ नहीं पता। आप उसको बोलो कि मेरी 2cc कंप्लीट कराओ तो वो आपकी 2cc 100% कंप्लीट करवा देगा, आपको वेज बता देगा 2cc कंप्लीट कैसे करनी है। सेकंड चीज़, उसको थैंक्स बोलो कि यार थैंक यू, आपकी वजह से मैं इस मार्केटिंग प्लान को समझ पाया हूँ, जो मौका मुझे लाइफ में चाहिए था कुछ बड़ा करने का वो मुझे मिल चुका है। तो आपको अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको ये दोनों काम करने हैं। अभी फटाफट वीडियो को कंप्लीट होते ही आपको उसको मैसेज करना है कि 2cc कंप्लीट कराओ, अभी कराओ मेरी 2cc कंप्लीट, मुझे नहीं पता कैसे कराओगे। सेकंड चीज़, थैंक्स बोलो उसको कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे को इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया। सोच के देखो, अगर वो नहीं होते तो आप इस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे नहीं होते। तो दोनों चीज़ आपको अभी करनी है, मैसेज करो 2cc कंप्लीट कैसे करनी है और उनको बोलो कि थैंक यू। और सेकंड चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये इनकम आपकी तभी अचीव होंगी जब आप मेहनत करोगे और ख़ुद से डेडिकेटेड रहोगे। तो सारे बिजनेस में अगर आपको कोई भी प्लान मतलब इनकम वगैरह समझने में कोई प्रॉब्लम आई तो जिसने भी लिंक सेंड किया है उससे वो कंसल्ट कर लेना, ठीक है। और फटाफट बिजनेस को ज्वाइन करो, 100% आपके पास ये इनकम अचीव कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। तो हम यहाँ पे सेकंड चीज़, बहुत से लोगों का ये डाउट भी रहेगा कि हमें कुछ आता नहीं है, हम कैसे करेंगे क्या करेंगे, वो सारी हमारे पास ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें हम आपको कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो सोशल मीडिया पे उनकी लाखों लाखों रुपये चार्जेज फीस है वो आपको कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकंड थिंग, हमारी ट्रेनिंग होती है खुद की, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग होती है जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, कैसे आप अपनी एक टीम बना सकते हो, वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको बस स्टार्ट करना है, 2cc कंप्लीट करनी है। पढ़ जाओ पीछे जिसने भी आपको इसका लिंक सेंड किया है, ठीक है। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।